नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा इंटरनेट की समस्या आ रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। और ये जो 12वां श्लोक है ये भगवान एक बहुत अहम बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यचैव सात्विका भावा राजस्तमा तामसः च मद एव यद्वदीना त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ अपितु वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? तात्पर्य में श्री प्रभुपाद एक बहुत ही अहम बात बता रहे हैं कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई खंडित हो सकता है किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। उसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतगुण रजगुण और तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। इसके तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं किंतु वे उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। तो आज का जो श्लोक है वो क्या बता रहा है कि जो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों के जो तीनों गुण हैं ये भगवान की शक्तियों द्वारा प्रकट हुए हैं। मतलब कि ये जो है ये भगवान की शक्तियाँ हैं जो ये तीन गुण प्रकट कर रही हैं। मगर ये जो तीन गुण हैं इसमें भगवान कभी नहीं बनते। तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल क्या दिया? ये बिल्कुल ऐसा है, मान लीजिए एक कारागृह है, जेल है, जहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं। किनके लिए? ऑब्वियसली जो वहाँ कैदी हैं उनके लिए। मगर अगर वहाँ पर उस स्टेट का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो क्या वो प्रिजन के रूल्स उन प्राइम मिनिस्टर को, मतलब उन जेलियों जो कारागृह में बंद हैं, जो रूल उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं क्या इनके ऊपर भी लगेंगे? तो जवाब आएगा नहीं, इनके ऊपर वो रूल नहीं लगते हैं, इनके ऊपर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या कहा गया कि भगवान ने ये रूल्स बनाए हैं, सदगुण बनाए हैं, सतगुण रजगुण तमोगुण। सतगुण रजगुण तमोगुण के बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी सतगुण रजगुण तमोगुण है क्या। मगर आज हमें समझना है कि जितने भी हमारा व्यवहार है, जो कुछ भी हम बंधते हैं, ये वो रस्सियां हैं जिससे माया हमें बांधती है। मतलब ये माया इससे हमारे को चलाती है, हमारे को जैसे कठपुतली को चलाते हैं, तो जैसे कठपुतली को अगर ये वाली उंगली करेंगे तो वो ऐसे करेगी, कठपुतली को ये वाली उंगली करेंगे तो वो ऐसे करेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन गुण हमारे को बांधते हैं और हमारे को नचाते हैं। और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण हमारे को बांधते हैं, नचाते हैं, तो हम बार 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 इन्हीं गुणों में नाचते रहते हैं, फंसते रहते हैं और इन्हीं गुणों के हिसाब से हम कार्य करते रहते हैं। तो जो सतोगुण में रहते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं, जो रजोगुण में आते हैं वो बहुत ज़्यादा हाय तौबा, उनको पैसा, उनको अट्रैक्शन, वर्ल्ड से अट्रैक्शन, बड़ी कारें, ये वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और जो तमोगुण है वो आलस, निद्रा और इस तरह की चीज़ों में पड़े रहते हैं, नशा, इस तरह की चीज़ों में वो रहते हैं। तो ये होता है तमोगुण। तो हमारे को ये समझना है कि जो तीनों गुण है जिसके अंदर जीव बंधा हुआ है वो
बेसिकली भगवान के द्वारा ही प्रकट हुए हैं, मगर भगवान स्वयं इन गुणों से ऊपर हैं, इसीलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का मतलब कि जो इन गुणों के अधीन नहीं है, वो इन गुणों से ऊपर है। अब इस बात से हमें क्या समझना चाहिए? इस बात से हमें एक और बात समझ में आती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, अरे भगवान को गुस्सा आ गया, या भगवान ने इतनी सारी शादियां करी, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो इन गुणों से आधारित नहीं हैं। भगवान कभी सतगुण, रजोगुण, तमोगुण में नहीं होते हैं, भगवान इनसे कभी ऊपर है। तो अगर कभी भगवान को क्रोध आए भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को क्रोध आया, भगवान एक्चुअली वहाँ पर अपनी लीला प्रदर्शित कर रहे होते हैं। जैसे जब जब जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर उन्होंने अटैक किया, उनके सर में पत्थर मार दिया, और नित्यानंद प्रभु जिनका शरीर इस हाड़मा से नहीं बना हुआ, मगर फिर भी वो अपनी लीला दिखाने के लिए क्या कर रहे थे, उन्होंने दिखाया कि देखो मेरे को खून निकल आया, मगर वो एक्चुअली में नहीं था। मगर इससे क्या हुआ, महाप्रभु गुस्सा हुए। अब क्या प्रदर्शित करते हैं? अब कोई बोले कि देखो महाप्रभु ने गुस्सा किया, नहीं, महाप्रभु गुस्सा नहीं होते हैं, महाप्रभु इन तीनों गुणों से ऊपर है, है ना। तो फिर भगवान ने वहाँ लीला करनी है, एक तो उन्होंने प्रदर्शन करना है कि अगर किसी वैष्णव को आघात पहुँचेगा तो भगवान उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने जगाई और मधाई जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कृपा करना चाहते थे, उनको उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनको वहाँ पर उस एक लीला के अंदर आना था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान हमेशा निर्गुण है, भगवान सतगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हैं। तो भगवान को, भगवान की किसी भी लीला के पीछे बहुत सारे अर्थ होते हैं, भगवान की किसी भी लीला के पीछे बहुत सारे पर्पस होते हैं। तो हमारे को ये नहीं समझना चाहिए कभी भी कि भगवान के अंदर रजोगुण है, तमोगुण है। ऐसे ही जो भौमासुर था, वहाँ पर उसने कितनी सारी राजकुमारियों को पकड़कर कैद में कर रखा था, और उन सभी राजकुमारियों को जब भगवान ने उसका वध किया, तो वो सारी की सारी राजकुमारियाँ बोली कि अब हम अपने पिता के पास वापस नहीं जा सकते, कि कोई भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम इतने समय से इस राक्षस की कैद में हैं, तो सबको उसका गलत मतलब निकालेंगे। तो इसीलिए भगवान ने उन सभी का उद्धार करने के लिए क्या किया, उन सबको अपनी पत्नी का दर्जा दे करके उनको स्वीकार किया। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान की लीलाएं हैं। तो इन्हें हमें कभी भी गुणों के प्रभाव में नहीं मानना चाहिए। हमारा जितना भी व्यवहार होता है वो गुणों के अंदर होता है। हम एक सेकंड में सतगुण में आ जाते हैं, और एक सेकंड में रजोगुण, और उससे भी कम में हम तमोगुण में पहुँच जाते हैं। तो ये जो हम जो जीव हैं वो इन गुणों में बंधे हुए हैं, मगर भगवान ने कहा है कि मैं इन सबसे स्वतंत्र हूँ, मैं इन सबसे परे हूँ। तो जैसे एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करें किसी गंदी जगह पर जहाँ पर मूत्र पड़ा हुआ हो, वहाँ पर अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ पर थोड़ी ही देर में वो जो जगह होती है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है, वो पवित्र हो जाती है। तो क्या आप ये बोलेंगे कि सूर्य की रोशनी है वो मैली हो गई, वो गंदी हो गई? नहीं, सूर्य की रोशनी कभी भी गंदी नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही जब भगवान ने माया को प्रकट किया, और माया से मतलब प्रकृति से ये तीन गुण निकले, तो ये जो तीन गुण निकले हैं ये कभी भगवान को नहीं बांधते हैं, भगवान कभी भी इन तीन गुणों में नहीं बांधते हैं। तो इस तरह से ये भगवान का एक विशेष लक्षण है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवान का एक विशेष लक्षण है कि हम मतलब भगवान कभी भी इन गुणों में नहीं बंधते हैं, भगवान इन गुणों से परे हैं। तो हमारे को ये समझना चाहिए कि भगवान की प्रकृति के हम अधीन हैं, मगर भगवान अपनी प्रकृति के अधीन नहीं है। मतलब ये रूल भगवान ने बनाए हैं, मगर भगवान इन रूल्स में नहीं बंधते हैं, क्योंकि भगवान गुणातीत हैं, भगवान इन गुणों से परे हैं। तो भगवान की कोई भी लीला कभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में नहीं होती है। और जो इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी नीचे गिर जाते हैं वो पशु योनि में कहलाते हैं।
तो इस तरह से हम हमारी इस तरह से ये प्रकृति के बंधन हैं जो हमारे लिए बनाए गए हैं, ताकि हम इस प्रकृति में रह करके कैसा व्यवहार करें। और हमारी सभी की जीवन की जो लक्ष्य है वो ये है कि अगर हम तमोगुण में हैं तो हम रजोगुण में की तरफ आएं, जो रजोगुण है वो हम सतोगुण की तरफ आएं, और अल्टीमेटली इन तीन गुणों से भी ऊपर उठकर हम शुद्ध सत्वगुण में जाकर के भक्ति करें। तो जब हम भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो हम शुद्ध सत्वगुण में जाते हैं। तो इसीलिए हमारे को कभी भी भक्ति नहीं बांधती है, हमारे को कभी भी भक्ति नहीं परेश मतलब भक्ति इन तीन गुणों से ऊपर होती है। तो भक्ति क्योंकि इन गुणों से अधीन नहीं है, मगर हमारा व्यवहार, हमारी प्रेजेंस इन तीन गुणों में अधीन है, इसलिए हमारे को अपने आप को फटाफट फटाफट सत्वगुण की तरफ ले जा करके शुद्ध सत्व की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम इन गुणों में बंधे ना और हम इससे मुक्ति पा जाए। तभी हम कहते हैं बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव का मतलब जो इन तीन गुणों में बंधा हुआ है, बद्ध जीव। तो बद्ध का मतलब क्या हुआ? बांधा हुआ। तो रस्सी कौन सी है बांधने की? रस्सी है ये तीन गुण की रस्सी। ये तीन गुण की रस्सी हमारे को बांध देती है। और जो मुक्त जीव है वो कौन है? है तो वो भी जीव, मगर वो इन तीन गुणों की रस्सियों को लांघ चुका है, वो शुद्ध भक्ति में आ चुका है। और शुद्ध भक्ति में अगर वो आ गया है तो वो कभी भी इन तीन गुणों की रस्सियों से नहीं बंधेगा, वो इन गुणों से बाहर निकल जाएगा। तो ये भगवान का श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैंने ये सारी सृष्टि बनाई है, मैंने ये सारा माया बनाया है, मेरे ही द्वारा ये प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो इसके जो तीन गुण हैं, ये तीनों के तीनों गुण हमारे को जीवों को बांधते हैं, भगवान को नहीं। तो पहले भगवान ने अपना स्टेटस बताया, उसके बाद भगवान अब हमारा स्टेटस बताएंगे अगले श्लोक में। तो ये आज का हमारा श्लोक था, जिसको आपने समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने युद्ध कराया, भगवान को पाप लगा होगा, तो नहीं, भगवान कभी भी इन प्रकृति के गुणों में नहीं होते, इनसे सबसे भगवान बहुत ऊपर है। तो ये बात को जानते हुए आज का मैं श्लोक यहीं पे फिनिश करती हूँ। हरे कृष्णा एंड थैंक यू। आप सभी इस क्लास में आए, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए, और सभी लोग आगे गीता ज्ञान का जो हम एक एक श्लोक समझ रहे हैं, उन सब के अंदर आप सभी साथ बने रहें। हरे कृष्णा।